वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आज की एपिसोड में मैं बताऊंगा कि स्वाचेस की कितने टाइप होते हैं। ठीक है, स्वाचेस कलर कितने टाइप के होते हैं और कुछ मैं इसमें कलर गाइड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि सेट्स एंड टेंट्स के बारे में कि कलर का यूज कैसे करते हैं और ये सेट्स एंड टेंट्स यूज कैसे करता है कलर को। ठीक, तो चलिए हम कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, जस्ट लाइक रेड कलर। यानी कि अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे आउटलाइन की कलर हमने फिल किया है, आउटलाइन कलर हम नन कर देते हैं और फिल कलर में ये कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो जूम करता हूँ और यहाँ पे देखें, मैं जूम करता हूँ तो अभी मैं इसको इस वाले पैनल को अंदर लेके आता हूँ और यहाँ पे देखें न्यू स्वाच। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि स्वाचेस कितने टाइप के होते हैं। स्वाचेज आपके तीन टाइप के होते हैं, एक आपके पैटर्न स्वाचेज, दूसरा सॉलिड स्वाचेज एंड तीसरा ग्रेडियंट स्वाचेज। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो यहाँ जस्ट लाइक मैं क्लिक किया न्यू स्वाचेज और ये एक पैनल खुलेगा, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट जो कलर है उसमें कौन कौन सी कलर पड़ी है वो दिख रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जाएं तो अभी मैं कैंसिल इसको करता हूँ और मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और यहाँ आपको देख रहे हैं कि आउट ऑफ वेव कलर वार्निंग क्लिक टू करेक्ट। ठीक है, तो जस्ट लाइक अभी इसको हम छोड़ दें और इसकी जो ब्लैक की कलर रेड की जो कलर है, अगर आप इसमें जाएंगे कलर पैनल पे स्ट्रोक एंड फिल डिफॉल्ट कलर पे, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि CMYK के कलर आपके मजेंटा 100 है, येलो 100, यानी कि ये आपका कलर स्वाचेज कलर रेड कलर यानी रेड कलर है और इसमें मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए इस बॉक्स को मैं पकड़ता हूँ कलर को और यहाँ से मैं गया और ये कलर ग्रुप एक मैंने क्रिएट किया और कलर ग्रुप वन ही रहने देता हूँ और ओके। तो यहाँ पे देखें कि ये कलर ग्रुप बन गया है। ठीक है, और ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इसको। ठीक है, ये डिफॉल्ट में आ गया। तो मैं इसको इस वाले बॉक्स को पकड़ता हूँ और यहाँ से इस वाले कलर बॉक्स से पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं गया न्यू स्वाचेस कलर। ठीक है, और इसमें अभी के लिए मान लीजिए इसमें हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए फाइल वन रख देते हैं और ये आप देखें कि प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर। तो प्रोसेस कलर में बताऊं तो प्रोसेस कलर आपके CMYK के कलर मिल के ये प्रोसेस कलर होती है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, और नीचे जो स्पॉट कलर है ये आपके पेंटून कलर का ये सेपरेशन बताता है कि आप प्रिंटिंग मशीन में इंक मिलाने के लिए आपको स्पॉट कलर का यूज होता है, यानी कि पेंटून कलर का यूज होता है। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको ग्लोबल पे रख देता हूँ ओके। ठीक है,
और दूसरा कलर एक और मैं चूज कर लेता हूँ। इस बॉक्स को पकड़ के यहाँ से गया और यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं पकड़ के और यहाँ से मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक किए हूँ और फिर यहाँ से मैंने स्वाचेस किया और इसमें मैं फाइल 2 डाल देता हूँ और ग्लोबल पे इसको भी रहने देता हूँ, ठीक है। और फिर तीसरा वाला ऑप्शन मैं लेता हूँ यहाँ से, ये ब्लू कलर, ओके कर देता हूँ। और यहाँ से मैं ये वाला बॉक्स पकड़ के यहाँ से न्यू स्वाचेस और इसको भी मैं ग्लोबल पर ही रहने देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये देखिए 3 ग्लोबल हमारे ऑप्शन बन गए हैं। और पहली बात तो ये कि मैं अगर जब भी आप इसमें डबल क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल। ग्लोबल मैंने क्यों बनाया था इसके बारे में मैं बताता हूँ। ग्लोबल वो चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपकी आपकी डिजाइन में बहुत सारे कलर हैं, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ के जस्ट अगर मैं इसको क्लिक करके और एक कोई भी मान लीजिए इस पे कलर हमने पिक किया और अगर ग्लोबल आप मैंने ये तीनों बनाया था तो ये समझे कि ग्लोबल हमारा वो चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई डिजाइन है, ये डिजाइन है और इसमें बहुत सारे डिजाइन हैं, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए ये एक कलर ये वाला हो गया। दूसरी दूसरी कलर और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको छोटा करता हूँ, दूसरा कलर आपकी ग्रीन और तीसरा वाला ब्लू कलर, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ और कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी, और इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे कर देता हूँ इसको। और अब देखें कि हमें अगर मान लीजिए ये डिजाइन है इसमें एक कलर कई जगह है डिजाइन में, तो एक बार क्लिक करने से कलर को आप चेंज नहीं करेंगे बल्कि आप एक ही बार में सिलेक्ट करके कलर को एक ही बार में चेंज कर सकते हैं जैसे। तो देखें इसका कलर कैसे चेंज होता है ग्लोबल कलर का। जस्ट इसमें मैंने अगर मान लीजिए यहाँ से स्वाच कलर पे जाएंगे, विंडो में गया और यहाँ से कलर, ये कलर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कोई कलर हमने पकड़ के इसको चेंज किया तो सिर्फ एक ही कलर वो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ना सेलेक्ट करके विदाउट सेलेक्टिंग आपने ग्लोबल अगर बनाया है तो स्वाचेज में जाएं, जो कलर को आप चूज करके उसको हमें कलर को चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करें, प्रीव्यू ऑन कर दें, उसके बाद आप यहाँ से कलर जैसा करना चाहें आप इस पर देख सकेंगे इसका कलर चेंज हो रहा है ब्लू वाला, ठीक है। ये देखें ये देखें, ठीक है, ये देखें। यहाँ से दूसरा वाला अगर मान लीजिए ग्रीन वाला करूँ तो आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर दें, ग्रीन वाला भी कलर देखें, ग्रीन वाला भी कलर ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। और इसमें रेड वाला भी चेंज होगा, जिसको मैं और डार्क करूं तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें, इसको मैं येलो करूं येलो हो जाएगा। तो ग्लोबल का मतलब ये हुआ कि आपके डिजाइन में मान लीजिए बहुत सारे कलर हैं, यानी एक कलर कई जगह है, तो आप ग्लोबल में इसको कलर स्वाचेस से बनाएं और उसको एक ही बेर में कलर को जहाँ जहाँ कलर हो रहेगा उससे चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ग्लोबल एक बार क्लिक करके उसको कलर को आप पहले से ही बना लें डिजाइन में, तो आपकी जो यहाँ जहाँ जहाँ कलर रहेगी एक ही कलर, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर को, ठीक है। डबल क्लिक करके आपको रिव्यू ऑन करके जो कलर चेंज करना चाहिए वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्लोबल पे नहीं है, नॉर्मल कलर है, ठीक है, तो सपोज अगर मान लीजिए हम इस वाले फोल्डर पे क्लिक करके, और आप समझ लीजिए कि मैं एक और दूसरा कुछ और डिजाइन बनाता हूँ इसमें, ठीक है, और इन सारे को पहले मैं छोटा कर देता हूँ, और ये वाला थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको, और स्लाइड लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने मान लीजिए पकड़ लिया और इस पर क्लिक किया और ग्लोबल पे न रख के बस ओके कर दिया, ठीक है। तो आपका ये देखें यहाँ पे ये ग्लोबल वाला बना है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कलर को चेंज करेंगे डबल क्लिक करके, तो यहाँ देखें मैं प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ, ये देखें आपकी इसमें ये कलर नहीं चेंज होंगे डिजाइन में, ठीक है, आप कितना भी कर लें लेकिन ये डिजाइन में नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम इसको ग्लोबल पहले से ही बनाया रखता, तब ये हमारा डिजाइन चेंज, डिजाइन का कलर कलर चेंज होता, ठीक है। आपका कलर यहाँ से अगर मान लीजिए चेंज करना चाहें इसको, तो यहाँ से अगर मान लीजिए डबल क्लिक करते हैं चेंज करेंगे, तो ये नहीं चेंज होगा बल्कि आपका ये स्वाचेज का कलर ही सिर्फ चेंज होगा। अभी मान लीजिए ब्लू कलर था, मैं इसको कुछ और कलर देता हूँ और मैं फिर भी ऑन करता हूँ, तो यहाँ देखें ये येलो कलर में ही हो गया। मैं रेड करूँगा तो रेड हो गया, पिंक करूँगा पिंक हो गया, ठीक है, पहले ब्लू था पिंक हो गया, और डिजाइन यानी कि डिजाइन में जो कलर है वो चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ये कि आपके डिजाइन में एक कलर बहुत जगह है, तो आप एक ही बार में आप यहाँ से ग्लोबल टिक करके कलर स्वाचेज में कलर को पिक कर सकते हैं, और उसको डबल क्लिक करके आपको ये पैनल खुलेगा, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैंने ये ग्लोबल में बना है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे प्रीव्यू ऑन कर देंगे, और ये ब्लू वाला हमने ये वाला कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और ये देखें जो ग्लोबल में नहीं था और जहाँ जहाँ ये कलर है उसको ये चेंज कर रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पे देखें ये हमने कलर, इस वाले कलर को हमने ग्लोबल में नहीं लिया था, लेकिन ये ग्लोबल कलर अगर हमने स्वाचेज में उस कलर को हमने पिक किया है, तो तब भी ये कहीं भी अगर कलर रहेगा तो वो उसको पिक करके ये कलर को पकड़ के चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। और दूसरा ऑप्शन इसमें और है कि इसमें आप पैटर्न स्वाचेज, ठीक है, तो पैटर्न स्वाचेज आपको मैं अभी समझाता हूँ। दूसरा है इसमें ग्रेडियंट स्वाचेज। ग्रेडियंट स्वाचेज आपका क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपका ये कलर है और आप इसको पकड़ के अगर यहीं से ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें, तो ये आपका ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अगर ग्रेडियंट ये नहीं है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, और अगर मान लीजिए ये हमने ग्रेडियंट कुछ अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये, और ये चीज़ हमारा इसमें
हो गया, और स्वाचेज में अगर हम मान लीजिए डाल दिया तो ये कलर यहाँ पे आ गया ग्रेडियंट का। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा पैनल खुलेगा। ठीक है, ये देखें, ये अजीब सा पैनल खुले ग्रेडियंट का। मैं बाहर जाता हूँ तो ये देखें आपको अजीब सा ये कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो कंट्रोल जेड मारता हूँ और अब इसको ग्रेडियंट बहुत बहुत से ग्रेडियंट बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करके अगर मान लीजिए दोबारा कुछ बॉक्स बनाऊंगा तो वही ग्रेडियंट आपका अप्लाई इस पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रेडियंट स्वाचेज कलर में आपकी बन चुकी है पहले ही। ठीक है, यानी कलर में ही आपका ये बन चुका है, ये देखें ये। ठीक, पहले ये था, अब ये बन गया। पहले ये यानी ये फेल कलर में था लेकिन अब ये बन चुका है। ठीक है, तो ग्रेडियंट स्वाचेज भी आप समझ गए होंगे। और तीसरा है पैटर्न स्वाचेज। पैटर्न स्वाचेज क्या होता है आपको, जस्ट लाइक अगर यही मैंने ले लिया और ये समझिए कि इसमें और कॉपी करता हूँ इसको, इसको जस्ट लाइक मान लीजिए रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया और इसको सिलेक्शन से पकड़ के और एक और कॉपी मान लीजिए ले लिया, कंट्रोल जेड मारता हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट किया और एक और मान लीजिए इसको ले लिया और यहाँ से कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको मैं फेल कलर में ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये समझिए एक तरह से ये पैटर्न है। ठीक है, इसके मैं आउटलाइन यहाँ से नन कर देता हूँ, इसको भी नन कर देता हूँ और ये एक समझ लीजिए कि पैटर्न है। और इस पैटर्न को मैं क्या करूँगा, इसमें स्वाचेज में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपका ये पैटर्न बन गया। और आप यहाँ से जाएंगे तो एक अगर मान लीजिए बॉक्स बनाएंगे या किसी डिजाइन में अगर आप सोच रहे हैं कि उस पैटर्न को फिल करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और आप यहाँ से फिल कलर को ऑन कर देंगे और यहाँ से आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पैटर्न फिल में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये देखें, मैं दूसरा कुछ लेता हूँ जैसे मान लीजिए ये स्टार है तो ये देखें स्टार में भी आ रहा है, यानी वही वाला पैटर्न स्वाचेज सिलेक्ट। ठीक है, मान लीजिए दूसरा वाला लेना है तो दूसरा वाला आ जाएगा। आप अलग अलग से इसमें बना सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये पहले से अगर इसमें है तो अगर ये फूल हमें चाहिए तो इसमें जाएंगे ऑब्जेक्ट एक्सपेंड और फिल स्ट्रोक दोनों कर देंगे, कोई बात नहीं, ओके कर दिया। और इसको मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा और अंदर जाऊंगा और ये रहा आपका और अंदर जाऊंगा, तो जितना अंदर जाएंगे आपको वो पैटर्न मिलते जाएगा। ठीक है, तो आप जस्ट बाहर जाइए और इस पर अगर जाएंगे तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और कंट्रोल एक्स मारिए। ठीक है, या फिर यहीं से आप इसको यहाँ से अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन बाहर और इसको पकड़ के अनग्रुप कर दें और इसको और पकड़ के रिलीज क्रिपिंग मास्क, तो ये सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो जहाँ जहाँ था। ठीक है, इसको और अनग्रुप करेंगे और इसको और बाहर करेंगे तो ये देखें आपका कितना अंदर तक ये पैटर्न मिला था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पैटर्न निकाला है कुछ इसमें से, ये देखने में लग रहा था कि ये बहुत आसान है लेकिन ये पैटर्न आपका बहुत अंदर तक मिला है। अगर मान लीजिए इस टाइप के हमें पैटर्न बनाना है तो कुछ हमें
यहाँ से जस्ट लाइक अगर मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ पैटर्न बनाता हूँ और ये वाले जो फिल कलर है मैं इसको नन कर देता हूँ और यहाँ से जस्ट इसको नन कर देता हूँ, आउटलाइन ले लेता हूँ। ठीक है, आउटलाइन में ब्लैक दे देता हूँ और यहाँ से मैं गया कंट्रोल जेड में मारता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक बार और क्लिक करके अल्ट दबा देता हूँ और यहाँ से एक बार क्लिक किया और ड्रैग करके ऊपर किया। ठीक है, और ओके जस्ट मैं इसको पकड़ के नीचे कर रहा हूँ और इसको और थोड़ा सा छोटा। ठीक है, और इसको मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट जस्ट मैं अगर मान लीजिए पकड़ के ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ हमने क्लिक किया अल्ट दबाया और ये देखिए एक कॉपी हो चुका। कंट्रोल डी मारते जाएं तो ये आपका देखिए एक फूल बन गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये कलर, ये वाली कलर, ठीक है ये वाली कलर हमें ये कलर देनी है, तो यहाँ से मान लीजिए हम ये कलर दे देते हैं। ठीक है, और दूसरे इस वाले कलर में मैं दे देता हूँ ये वाली कलर। ठीक है, और इस वाले में मैं दे देता हूँ ये वाली कलर। ठीक है, और जस्ट ये और ये दोनों सेम ही रहने देता हूँ, यही कलर। ठीक है, और ये कलर दे देता हूँ ये वाले। ठीक है, और बीच वाले जो कलर है इसको मैं ये कलर दे देता हूँ ये वाली, और सेम ये वाली और ये वाली मैं डार्क वाला ही रख देता हूँ। डार्क वाला ना रख के मैं यही वाला कर देता हूँ, कोई भी कर दे, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ ये वाली। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अजीब सा लग रहा है, और बीच में मान लीजिए एक कुछ राउंडेड बॉक्स हमने दिया, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट, कंट्रोल एफ, इसमें बीच में वाइट दे दिया, इसको पकड़ के ग्रुप कर दिया और इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, और ये पकड़ के मैं एक ही बार दोनों सेलेक्ट करके एक बार इसी पे माउस के लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो इसी सेंटर पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए ऊपर सेंटर पे आ जाए इक्वल। ठीक है, और इसको पकड़ के सिलेक्शन से छोटा कर दें और ये वाले अंदर गए एक बार, और ये वाले एक और कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल एफ, और इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और एकदम बाहर चला गया। ठीक है, और इसमें देखें आपका तीन कलर है। ठीक है, और इसमें एक दो तीन, समझिए तीन ही कलर है। तो इस वाले मैं फूल को पकड़ता हूँ, मान लीजिए ग्रुप कर दिया, और इसको मैं बाहर करता हूँ, यही वाला ऑब्जेक्ट हमने स्वाचेज में डाल दिया। ठीक है, और इसको मैं बाहर करता हूँ और कुछ मान लीजिए यहाँ से मैंने डिजाइन बनाया। ठीक है, और हमें इसमें वो वाली फूल चाहिए तो इस पर जस्ट एक ही बार क्लिक कर दें, आपकी ये फूल इसमें आ जाएगी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। आप और भी
फूल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, उस फूल को यहाँ से देखें। बाकी और डिटेल भी यदि देखना चाहें तो आपको पिछले वाले वीडियो में, यानी कि पीछे किसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, इस बारे में मैंने बताया है पैटर्न के बारे में। ठीक है, और यहाँ इसके आगे अगर आप देखें तो स्वॉच ऑप्शन दे रखा है, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी शो होगा। ठीक है, यानी जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ यहाँ पर भी शो होगा। अभी मैं इसको प्रोसेस पे कर देता हूँ ओके। और इसके आगे देखें स्वॉच काइंड्स मेन्यू दिखा रहा है, यहाँ से आपको ऑल स्वॉचेज दे रखा है, कलर स्वॉचेज, ग्रेडियंट, पैटर्न, कलर ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि आपका ये बता रहा है कि जो मैंने शुरू शुरू में बताया था कि एक कलर स्वॉचेज होता है, एक ग्रेडियंट होता है, एक पैटर्न होता है और कलर ग्रुप्स भी होता है। ठीक है, यानी ये कलर ग्रुप्स हो गया और ये कलर स्वॉचेज, यानी कलर स्वॉचेज हो गई आपकी, और ग्रेडियंट यानी इसमें आप देखें तो ये आपकी ग्रेडियंट कलर भी हो गए, ग्रेडियंट कलर स्वॉचेज हो गया। इसके नीचे आ जाए पैटर्न स्वॉचेज, तो ये आपकी पैटर्न स्वॉचेज है। ठीक है, या ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैं फेल एंड स्ट्रोक के बारे में बता रहा था, तो उसमें कुछ ऑप्शन मैं भूल गया था, तो मैं बता दूं कि ये जो आपकी पेंट ब्रश है ये आपकी स्ट्रोक कलर है। ठीक है, यहाँ देखें और इसके नीचे अगर आप देखें ब्लब ब्रश, यानी ये चीज आपका फेल कलर है। ठीक है, तो ये आपकी फेल कलर पे भी ये शो होता है और आउटलाइन के भी कलर, यानी अगर इसको हम पकड़ेंगे तो आपका ये फेल कलर होगा और इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो ये आउटलाइन के कलर, यानी कि ये वाले पेंट ब्रश ये स्ट्रोक कलर है और ब्लब ब्रश ये आपका फिल कलर है। ठीक है, मैं इसको किसी वीडियो में पेंट ब्रश वाले एपिसोड में मैं बताया हूँ पूरी तरह से, और उस एपिसोड में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आ जाए तो कलर के जो ऑप्शन दे रखा है अभी आरजीबी में दिख रहा है, तो अगर इसमें पैनल में आ जाए तो ये आरजीबी सेलेक्टेड था। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसमें देखें आपकी आरजीबी, यानी ये कलर आपकी यहाँ से आरजीबी सेलेक्ट है। ठीक है, इसमें हम सीएमवाईके में कर देते हैं, अब देखें सीएमवाईके कलर में हो गया। ठीक है, और इसको हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर हम मान लीजिए यहाँ से आरजीबी हम कर दे रहे हैं और ये हम फाइल बना रहे हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से सीएमवाईके प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, और जो कलर है कलर आपकी आरजीबी में दिख रहा है, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सीएमवाईके कलर में है और जो आपकी कलर है वो आपकी आरजीबी कलर में है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा डबल क्लिक करें तो ये आपकी सीएमवाईके कलर में यहाँ से आपको दिख रहा है, ये सीएमवाईके कलर में दिखेगा, और कलर पैनल में अगर देखेंगे तो आरजीबी कलर में दिख रहा है, तो यहाँ से आप सीएमवाईके कर लें, एचएसबी कर लें, कोई भी कर लें। ठीक है, यहाँ से हाइड ऑप्शन भी कर सकते हैं इस कलर पैनल को, जैसे शो करेंगे पूरी आ जाएगी। और इसके आगे देखिए कलर गाइड, कुछ कलर गाइड के बारे में बता रहा है कि अगर हम ये कलर पकड़े हैं
तो इसमें जाएंगे कलर गाइड में, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे तो ये जो कलर आपको दिख रही है और इसमें आप देखें तो इस पैनल को हम पहले लेके आते हैं यहाँ पे, इसको हम डिलीट करते हैं और इसको अगर हमें यूज करना रहे तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये कलर हमें क्या इंडिकेशन देता है। अगर मान लीजिए हमने कलर में ग्रीन कलर डाल रखा है तो ये कलर गाइड हमें बताता है, गाइड करता है कि आपकी इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक होता है शेड्स और एक होता है टिंट्स। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले किसी वीडियो में मैंने बता रखा है, आप जा करके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। टिंट्स एंड शेड्स के बारे में भी मैंने बताया है और यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में, शेड्स एंड टिंट्स के बारे में ये क्या चीज़ होता है। शेड्स आपको अगर मैं बताऊं तो शेड्स वो चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्राइट है, ब्राइट कलर, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं तो ये मैं कंट्रोल डी मारा, एक और मारा और मैं सारे को पकड़ के और छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ये कलर डाल देता हूँ, इसमें मैं ये कलर और इसमें ये कलर और इसमें ये कलर, इसमें ये कलर, ठीक है। और इसको ऊपर कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से अगर ये कहें कि हमें शेड्स के बारे में बताना है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये आपका शेड्स शेड्स हो गया और ये आपका टिंट्स, ये आपके टिंट्स कलर, यानी कि ये यहाँ से जो ब्राइट से अगर डार्क की तरफ जाता है तो ये आपका शेड्स होता है, शेड कलर होता है, ठीक है, शेड्स कलर जिसे हम बोलते हैं। और अगर डार्क से ब्राइट की तरफ जाता है तो ये आपका टिंट्स कहलाता है, टिंट्स कलर कहलाता है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अंतर है कि आप शेड्स ब्राइट डार्क कलर यानी कि आपका ब्राइट से डार्क कलर की तरफ, शेडो की तरफ समझ लीजिए, एकदम डार्क ब्लैक की तरफ ले जाता है और टिंट्स आपका शेड से ब्राइट की तरफ लेके जाता है तो ये टिंट्स कलर कहलाता है। तो अभी यहाँ पे देखें कि मेन कलर हमने यहाँ से चूज किया था तो ये कलर आपको यहाँ इंडिकेशन दिखा रहा है कुछ तीर जैसा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस साइड लेके आए तो ये आपका शेड्स बताएगा, यानी कि ये टिंट्स है और यहाँ से आपका शेड्स बताएगा। और इसके नीचे वाली ऑप्शन अगर हम बोले कि हमें टिंट्स चाहिए तो यहाँ से डार्क से ब्राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका टिंट्स हो गया, यानी कि आप यहाँ देखें ये आपका टिंट्स कलर है इस तीर से इस साइड और इस तीर से इस साइड आपकी शेड्स कलर है, ठीक है। और इसमें अगर आप आ जाएं तो कुछ ऑप्शन और दे रखा है,
लिमिट द कलर ग्रुप ऑफ कलर्स इन द स्वच लाइब्रेरी दे रखा है। इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये आपकी स्वाचेस की लाइब्रेरी दे रखा है। ठीक है, कलर बॉक्स, कलर प्रॉपर्टीज, कलर कॉर्पोरेट, डिफॉल्ट स्वाचेज, बाकी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से, और इसमें अगर आप आ जाए एडिट कलर तो ये देखें, ये कलर पैनल खुल रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करके देखें तो ये आपका करंट कलर आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडिट असाइन दोनों दिख रहा है। अगर एडिट पे क्लिक करें तो ये आपका एडिट कलर यानी कि अभी करंट कलर दिख रहा है। यू सैचुरेशन एंड ब्राइट तीनों दिख रहा है कलर। ठीक, और आपका कलर ग्रुप देखें तो आपके ग्रे स्केल यानी कि डार्क से ब्राइट की तरफ जा रहा है और ये ब्राइट कलर है। ठीक है, और ये यहाँ से इसमें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से अगर देखें तो यही वाला ऑप्शन आपका ये दोबारा खुलेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका वेब कलर की तरह आपको दिख रहा है। ये कह रहा है कि डिस्प्ले सेगमेंट कलर व्हील। ठीक है, और ये कलर आपका प्रोसेस कलर है। ठीक है, और ये आई थिंक वेब कलर ही होगा, और इसके आगे डिस्प्ले कलर बार्स दे रखा है यानी कि कलर्स पूरी तरह आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और इसके अगर आगे देखें तो ये चीज आपको कलर को ब्राइट एंड डार्क में की तरफ दिख रहा है। जो चीज ये पैनल देख रहे हैं वही चीज नीचे आपका ये चीज है। ठीक है, यानी कि जो चीज यहाँ से कलर कम बेसी करेंगे वही चीज यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगर आप ऊपर देखें तो ये चीज सेलेक्ट है, और इसमें अगर देखें सो सैचुरेशन एंड ह्यू ऑन व्हील, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ अलग टाइप के ये कलर आपके यहाँ से चेंज होंगे। ठीक है, और यहाँ से आप कलर ब्राइट डार्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो अभी हैंडल एक ही हैंडल दिख रहा है, इसमें आप मेरे हिसाब से अलग से भी और भी हैंडल इसमें कलर टूल जिसे बोलते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जस्ट हमने क्लिक किया और इसमें क्लिक कर दिया और इसको पकड़ के और अलग लेके यहाँ से और लेके आएंगे तो इसमें देखें ये दूसरा टूल इसमें हमने ऐड किया था तो यहाँ आ गया है। ठीक है, जब आप टूल्स ऐड करेंगे तो ये आपको इसी में आ जाएगा। मैं एक और ऐड करता हूँ तो इसमें क्लिक किया और ये देखिए इसको मैं नीचे करके और यहाँ से और ये वाले इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखें ये तीन कलर हमने चूज कर लिया, और इसको अगर माइनस करना हो तो किसी एक को पकड़ के यहाँ से माइनस कर दें, इसमें सेलेक्ट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसको पकड़ के मैंने यहाँ से पकड़ के इसको मैं ये वाली यस टूल माइनस टूल को पकड़ के सेलेक्ट कर दिया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, और ये आपका दे रखा है अनलिंक हार्मनी कलर,
ये करेगा कि आपके कलर को अनलिंक करेगा, कलर नहीं चूज करने देगा। जस्ट लाइक अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी कलर अगर हम चूज करते हैं, कलर तो होगा, ये देखें, ठीक है, लेकिन आपकी जो ब्राइटनेस की कलर है वो आपकी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ से मैं जिस जैसे था वैसे ही रहने देता हूँ। खैर, ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि अनलिंक और लिंक का ऑप्शन, एक कलर को अगर हम चूज करना चाहें जितने परसेंट पे, तो उतने परसेंट पे ये कलर पिक कर लेगा। अगर इसको हम लिंक कर दें तभी, अगर अनलिंक कर दें तो जो कलर जितना डाले थे और दूसरे में कलर डालेंगे तो कम बेसी होता रहेगा, ठीक है। इसके अगर देखें कि कलर ग्रुप्स आपको रीसेट से भी यहाँ आप दे सकते हैं, और कलर ग्रुप्स होल्डर भी दे रखा है, ठीक है। और आई होप कि आपको यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ दे रखा है लिमिट्स द कलर ग्रुप ऑफ ग्रुप टू कलर्स इन स्वाच हिस्ट्री दे रखा है। ये चीज आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि जो चीज आपकी कलर स्वाच लाइब्रेरी आपको दिख रही थी वही चीज आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये पैनल के बारे में कलर थ्योरी, ठीक है। मैं जस्ट लाइक यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं जैसे था वैसे ही, ओके कर दें, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सेट्स एंड टिंट्स के भी बारे में आप समझ गए होंगे, और इसमें आपके हिसाब से कलर के ऑप्शन दे रखे हैं कि आप हार्मनी कलर जस्ट अभी ये सिलेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ के हिसाब से कलर दे रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आप कलर गाइड एंड स्वाचिज कलर कितने होते हैं इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, बाय बाय।